यहाँ पर हम आए हैं सैलाब सदगान से मालूम करने के इनके साथ रिलीफ पैकेज कहाँ तक इनको सहूलत फराहम की जा रही है या इसका क्या इनके साथ हुकूमत का किस तरह से ताबुन कर रही है इस सारे मामले पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस टाइम पे पूरी आवाम यहाँ पे मौजूद है ये मटका ब्रिज के ऊपर। सिर्फ आवाम ही आवाम है, इनके पास ना घर है ना खाने की रोटी है ना कुछ इनके पास पीने का साफ पानी है। हम यहाँ पे बात करते हैं इनसे कि इनको किन मुश्किल का सामना है, आइए चलते हैं बात करें। जब से बरसात हो रही तब से ही ऐसे खड़ा हुआ, निकाल ही नहीं है किस पास, किधर जाएं हम बच्चे छोटे छोटे लेके। बहुत इधर पानी खड़ा हुआ है, निकालते नहीं है, आने जाने का बहुत मुश्किल है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर गिर भी सकता है कोई पानी में, पानी बहुत खड़ा है। 25 साल तो असा ही दे खतरे दे बेचा, असा एक बद बधे ने ओ कटाओ कार घिंदे, असा दूजी बधे ने कहीं हुकूमत ने असा ने नाल ना आज तक 25 साल तो ना कहीं तावन किते एमपी ना एमएन। जी नुकसान आप ये देख लो, कपास है ये पीछे प्यास लगी हुई है। मेरे ख्याल में जो छोटी फसल है कपास हो गई प्यास हो गई वो तो 100% ख़त्म हो गई। गन्ना ये भी इसमें जो पानी खड़ा है 15 दिन और खड़ेगा तो ये भी फारिक है। और केले को भी जो मेरे ख्याल में कोई 100 में से 25% 30% बचे होंगे, 70% तो वो भी इफेक्ट हुए। रात नहीं इतना हज़ारों की तादाद बंदे सारे नाल मेहरबानी करेंगे हुए नाल हैं, असाई देते बड़ी भरपूर तरीके नाल कंट्रोल किया हुआ है। कल साढ़े को एसी साहब डीसी साहब एमपीए साहबान इतना सियासी शो दिखाने वास्ते लोग आए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई एक बजे का टाइम दिते ही वेले तक कोई सारी उन्हें रिस्पांस नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। जो पुराने एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रहे हैं कि इधर मुसलसल बारिशों की वजह से जो तबाही हुई है, इनके घर तबाह हुए हैं, इनके मकाना तबाह हुए हैं, इनके फसलें तबाह हुई हैं, इधर पानी ही पानी है, लोग भूख पे हैं, बीमार हैं, उनका कोई भी सार संभाल लेने वाला नहीं है। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंध से और अपने MNA और MPA से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि खुदारा इधर आएँ, लोगों की मदद करें, लोग भूख पे मर रहे हैं, लोगों के इधर पानी। जैसा कि हमने आपको दिखाया आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। हमारी सिर्फ यही हुकूमत से अपील है कि लोगों को यहाँ के हुक्मरानों को यहाँ के जिम्मेदारों को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, आवाम के मुश्किलात को उनका साथ देना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है कैमरामैन रासिम खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।